पिछले 2 साल में अक्षय कुमार की बेल बॉटम और बच्चन पांडे ये बुरी तरह से फ्लॉप रही। लक्ष्मी और अतरंगी रे ओटीटी पर रिलीज हुई थी, इसने भी कुछ अच्छा काम नहीं, बहुत ही गंदा बिजनेस। अतरंगी रे तो कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। बॉयकॉट बॉलीवुड और कश्मीर फाइल्स ने अक्षय कुमार की लुटिया पूरी तरह से डुबो दी है। कहने को बच्चन पांडे ने 36 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, लेकिन ये कमाई मुझे ठीक नहीं लगती है, ये कमाई मुझे फेक लगती है। सच ये है कि सिनेमा घर खाली है, लोग अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे को देखने नहीं जा रहे। किसी ने मुझसे कहा कॉमेंट में, वो बंदा हर बार कॉमेंट करता है और उसके कमेंट को न जाने क्यों पढ़ लेता हूं मैं, तो उसने लिखा था कि अक्षय कुमार की फिल्म ने जो कमाई की वो बताया जा रहा है, तो उस कमाई पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, और कश्मीर फाइल्स की जो कमाई बताई जा रही है उस पर तुम यकीन कर लेते हो। तो भाई देखिए, जो बातें जो चीजें इंसान अपने आंखों से देखता है और अपने कानों से सुनता है उस पर यकीन करता है, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातों पर तो यकीन नहीं करता और उसे लेकर वीडियो भी नहीं बनाता। जो सच है वही बनाता हूं, वही बताता हूं, वही दिखाता हूं। कश्मीर फाइल्स को और बच्चन पांडे दोनों ही फिल्मों को जब आप सिनेमाघर में देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि कश्मीर फाइल्स के लिए बहुत ज्यादा भीड़ है। बच्चन पांडे का जो स्क्रीन जहां पर लगा हुआ है वहां पर कोई जा ही नहीं रहा, गिनकर इक्का दुक्का लोग गए तो गए, ये सिनेमाघरों का हाल है। और तब भी यकीन नहीं होता तो आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जितनी भी साइट है वहां पर जाकर आप देख लीजिए कि कश्मीर फाइल्स के लिए सीटें नहीं मिल रही है और बच्चन पांडे इसके लिए सीटें खाली ही खाली है। और तब भी यकीन ना हो तो वहां के स्टाफ से आप पूछ लो कि कौन सी फिल्म को लोग देखने जा रहे हैं और किस फिल्म को लोग नहीं देख रहे हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कहने को तो प्रभास की राधे श्याम भी बेहतरीन फिल्म बनी थी 350 करोड़ के बजट में, लेकिन वो भी फ्लॉप ही हो गई ना। भले उसने 200 करोड़ कमाए लेकिन नाम तो फ्लॉप की लिस्ट में आ गया। राधे श्याम का तो सोशल मीडिया पर चर्चा ना के बराबर हो रहा है, वही हाल बच्चन पांडे का भी है। 3 दिन में ही ढेर हो गई, बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया। और लगातार फ्लॉप होती फिल्मों ने अक्षय कुमार की ब्रांड वैल्यू को बहुत ज्यादा गिरा दिया है। अब आने वाले समय में पता चल जाएगा कि अक्षय कुमार को उनकी फिल्मों के लिए कितने पैसे मिलते हैं, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू काफी हद तक गिर चुकी है।